सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया, तो प्लीज़ आप इसको पूरा वीडियो बनाओ। एंड मैंने इंस्टीट्यूट का एग्जाम पैटर्न देखा, इस बार जो उन्होंने अपडेट दिया काफ़ी सारे चेंजेज हैं। एंड मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आपको इस बार ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे लास्ट अटेम्प्ट से। सो वन बाई वन में दो सब्जेक्ट है जिसके मैंने क्वेश्चंस पेपर लिया है, एक तो लॉ का, बिकॉज लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड दूसरी एक सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से मैं एक डिस्कस करूंगा जो प्रैक्टिकल है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को किस तरीके से करनी है, एंड जो भी आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको आप किस तरीके से आप टैकल करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ लॉ से, एंड यहाँ मैंने पेपर ओपन कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हो इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स का है। फुल मार्क्स 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसको इन्होंने ना 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए बी सी डी, जिसमें सेक्शन ए एंड बी को आपको कंप्लीट करना है 50 मिनट में ही। आपको 50 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इट मीन्स जब आपके पास क्वेश्चंस पेपर होंगे तो आपके पास विंडोज अलग अलग बने होंगे, जिसमें सेक्शन ए एंड बी का 50 मिनट का विंडो होगा। 50 मिनट के बाद ये विंडो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जो भी आपने आंसर्स किए होंगे वो सबमिट हो सकती है, बाकी फिर नेक्स्ट विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। देखो सेक्शन ए एंड बी मिला के देखा जाए तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एंड 40 मार्क्स से टोटल थ्रू ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू हाइलाइटेड है, जहाँ तक मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, ब्लू हाइलाइटेड आपको मार्क करना है, आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। जो भी यहाँ ब्लू कलर से हाइलाइटेड है वो आंसर्स है, सो आपके भी आंसर्स ऐसे होंगे जो ब्लू कलर से हाइलाइटेड है। तो यहाँ पे देखो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तो आप इजीली ये 20 मार्क्स आप ला सकते हो। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हो तो आप आराम से 20 में 20 यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, जो इसका सेक्शन बी है, सेक्शन बी भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है, यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन बी भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। टाइप योर आंसर्स हियर, एंड यहाँ पे आपको अपने आंसर्स टाइप करने होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है। एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपको आपके पास इसका आंसर मालूम नहीं होगा। आपको इस फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है, और इसलिए आपको स्टडी मैट एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स आपको रीड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सारे कंटेंट स्टडी मैट से ही उठाए जाते हैं। तो आप स्टडी मैट के ऊपर जरूर आप फोकस करना है इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 out of 6 क्वेश्चन, यानी 10 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, यानी टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन को अटैम्प करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है टू दी पॉइंट्स में क्वेश्चंस आपको दिए गए, बट आपको इतने सारे आंसर्स को टाइप करना होगा, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग के साथ फैमिलियर नहीं है। तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप देख लो यहाँ पे इतने सारे ब्लू कलर से हाईलाइटेड टेक्स्ट हैं जो आपको टाइप करने पड़ेंगे। सो आप आज से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप अक्टूबर में आप पेपर नहीं कर पाओगे 100%। आप मैक्सिमम 50 to 60% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने 40 मार्क्स लगा 60 मार्क्स का कम्प्लीटली आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको टाइपिंग करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो प्लीज आप फोकस करो टाइपिंग्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो इतने लंबे लंबे आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको अच्छे से चीज़ों को याद भी करनी है, टाइपिंग करके आपको टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ानी है, बिकॉज जब आप ऐसे लिखते हो पेन और पेपर के ऊपर तो आप इजीली लिख सकते हो जो भी चीज़ें आपको आते हैं, लेकिन टाइपिंग में हमें टाइम लगता है। तो आप फोकस करो, यूट्यूब से आप वीडियो देखो कि किस तरीके से आप टाइपिंग स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, और अपने टाइपिंग स्पीड को आप इंक्रीज करो। स्पेशली लॉ के पेपर में मुझे डर लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लॉ के पेपर में यहाँ से प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे। देख रहे हो आपको इतने सारे आंसर्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। सो नेक्स्ट सेक्शन भी है यहाँ पे, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन भी डिस्कस करता हूँ।
सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो आपको यहाँ पे भी कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी आपको इस सेक्शंस के भी सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सिर्फ जो आपका सेक्शन सी है वहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें से आप कोई भी 6 में से 4 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस एक तरीके से कंपलसरी क्वेश्चंस है जो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही करना है। यानी टोटल पेपर जो आपका आएगा 120 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट प्लीज लॉ के लिए स्पेशली सजेशन दूंगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल्स लिखने पड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप लॉ के पेपर में फेल होने के चांसेस आपके हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट फेल करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। यहाँ पे आप देखो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर ओपन किया है, यहाँ पे भी पेपर पैटर्न ऐसा ही है। और इस बार का पेपर लास्ट अटेम्प्ट के जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के पेपर है उससे डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें लास्ट अटेम्प्ट में क्या करने थे, हमें सिर्फ फाइनल आंसर को टिक लगाना था वहां पे या फिर फिल करना था। बट यहाँ पे आपको इस बार फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अपने वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको अपने आंसर्स के फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। इस बार ये भी प्रैक्टिकल भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। और सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो पेपर पैटर्न सबका सेम कर दिया है, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपका पेपर पैटर्न सेम है। फर्स्ट 2 सेक्शंस के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है सेक्शन आपका सी आता है, सेक्शन सी के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 out of 4 क्वेश्चंस आपको उसमें अटेम्प्ट करना है जो 40 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट सेक्शन डी होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और वो कंपलसरी होंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट थिंग, ये सारे क्वेश्चन तो आप 40 मार्क्स, अगर जो भी स्टूडेंट अच्छे से एफोर्ट करेगा प्रैक्टिस अच्छे से करेगा वो 40 मार्क्स तो आराम से यहाँ पे कवर कर सकता है। बाकी जो प्रैक्टिकल है वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, आई थिंक जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमें टाइप योर आंसर हियर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो ब्लू हाईलाइटेड वो सिर्फ अमाउंट्स है, ठीक है, और ये बेसिस है। बट मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये फॉर्मेट दी जाएगी जिसमें आपको एक्सपेंसेस के नेम बाय सेल्फ लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक्सपेंसेस के नाम आपको सारे अगर इंश्योर प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे स्टूडेंट्स के साइड से, बिकॉज उनको सारे एक्सपेंसेस के नेम मालूम होंगे ऑलरेडी। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े से चेंजेज हो सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस के नेम नहीं लिखे हुए मिले, आपको सिर्फ ये हेडिंग दे दी जाए, या फिर आपको सिर्फ ये एक्सेल फॉर्मेट बना के यहाँ पे दे दी जाए जिसमें आप सारे चीजें आप खुद से फिल करो, एंड इस फॉर्मेट को कंप्लीट करके आप अपने आंसर को पुट डाउन करो। सेम चीज यहाँ पे बाकी चीज में, और यहाँ पे यही चेंजेज आया कि इससे लास्ट अटेम्प्ट में ये सारे ऑप्शंस नहीं थे, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल अमाउंट को शो करना था। तो बहुत मेजर चेंजेज है और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट तक का दिखाने का इन्होंने ऑप्शन दिया, और आपको टाइप योर आंसर में आपको अपने वर्किंग नोट्स भी दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में ये सारे ऑप्शन नहीं थे इसलिए स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे मार्क्स मिले, बट अब आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने इन सारी चीजों को नहीं दिखाया। जो ब्लू हाईलाइटेड है वो डेफिनेटली आपको टाइप करने करने हैं, लेकिन कुछ ब्लैक बोल्ड हाईलाइटेड है वहां पे भी मुझे लगता है कि आपको फॉर्मेट्स दी जाएगी और बोल्ड हाईलाइटेड को आपको बाई सेल्फ ही फिल करना पड़ेगा, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको आई थिंक अभी से अब आप स्टार्ट कर दो कि आप पेन पेपर लेके सॉल्व करना छोड़ दो, आप अपने सारे आंसर्स को एक्सेल शीट के ऊपर ही आप इसी तरीके से फॉर्मेट बना लो एक बार बाई सेल्फ, एंड उसमें आप सारे आंसर को पुट डाउन करना शुरू करो। सो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। मेरा सजेशन यही है आप लोगों को कि प्लीज इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करना शुरू करो एंड मोर प्रैक्टिस करो, बिकॉज इस बार का पेपर पैटर्न टोटली डिफरेंट है लास्ट अटेम्प्ट से। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपडेट कर दी गई, और स्पेशली जो प्रेजेंटेशन है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, आपको सारी चीजें प्रेजेंट करके ही दिखाने पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो कीप स्टडिंग एंड कीप ट्राई टू मोर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप
अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।